हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे थे कि BSF HCM भर्ती 2024 1530 पोस्ट वाली भर्ती को लेकर अपडेट बताओ। आप सबको पता है दीपावली जा चुकी है, SSC GD के फिजिकल समाप्त होने को है, क्योंकि अभी तक आपको पता होना चाहिए आज 5 तारीख लगभग हो चुकी है, लगभग 3 से 4 दिन SSC GD के फिजिकल के हैं। अभी क्या अपडेट चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, जो क्या नोटिस आया था वो नोटिस रियल है या फेक है, क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है, कब तक BSF HCM अपना फिजिकल कंडक्ट करवा सकती है, तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। BSF HCM भर्ती से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी, सबसे ऑथेंटिक, सबसे बेस्ट और सबसे रियल न्यूज प्रोवाइड होगी। साथ ही में मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं, जो मेरे भाई मैथ, रीजनिंग और हिंदी स्पेशल नोट्स, मेरे हाथ से लिखे हुए, खुद के तैयार किए हुए नोट्स हैं, वे नोट्स जैसे स्कैन होकर PDF के रूप में आपको तैयार हो जाएंगे, आपको वो नोट्स आप ले सकते हो, जो कि आपका इतना मिनिमम शुल्क होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, उस शुल्क में आपको वो नोट्स प्रोवाइड कराने का काम करूंगा। तो जो भी मेरे भाई है वो नोट्स भी परचेज कर लेना। अभी मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अभी परचेज करो, मैं आपको अभी एक ही चीज बोल रहा हूं कि आप पहले फिजिकल करो, फिजिकल के बाद वो नोट्स आप परचेज कर सकते हो। चलो तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर फिजिकल डेट्स का निकल कर आ रही है, जो नोटिस आया था उस नोटिस से रिलेटेड क्या है, BSF के अंदर अभी क्या चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप में जानकारी देने वाला हूं। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी, सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल और सबसे बेहतरीन जानकारी उपलब्ध हो सके। बात करता हूं सबसे पहले BSF HCM भर्ती को, जो नोटिस आया था, देखो नोटिस आया था 17 नवंबर का, और नोटिस आपका ऐसे मानो वो तो फेक था, पर 17 नवंबर की जो डेट थी वो फिक्स थी, यह डिपार्टमेंटल न्यूज थी। जो आपका यहाँ पर नोटिस निकला था वो नोटिस और कोई का नोटिस था, फिर किसी ने यहाँ पर एड जरूर कर दी, पर जो 17 नवंबर था वो डिपार्टमेंटली 100% आपकी डेट फिक्स थी। अब बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे हैं, क्या वो डेट नहीं है? देखो दोस्तों, मैं जब तक आपका 6 से 7 तारीख तक यदि BSF की वेबसाइट पर कुछ अपडेट आ जाता है तो मानो कि आपकी 17 नवंबर फिजिकल डेट होने वाली है। और जो अभी अपडेट निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि BSF HCM की फिजिकल डेट को पोस्टपोन्ड किया जा सकता है। इसके अंदर कारण भी BSF ने दिया है, कारण दिया है, BSF 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मना रही है फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर के अंदर, जो कि बड़ा, इतना बड़ा आपका जबरदस्त माहौल होगा, उसको लेकर BSF खुद बोल रही है कि जो हमारा BSF के सेंटर से जो BSF के बड़े अधिकारी जो है वो सारे के सारे फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर में आएंगे। तो जाहिर सी बात है हो सकता है ये पोस्टपोन्ड हो जाए, और जो अपडेट आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट को आपका हो सकता है। सबसे पहले तो बात आती है कि ये बताओ सर हमें कि फिजिकल इस साल होगा कि नहीं होगा, वो भी मैं बताऊंगा, और ये भी बता दो जो जुलाई में ट्रेनिंग शेड्यूल CISF की तरफ से जारी हुआ वो रियल है या फेक है। देखो दोस्तों मैं बता दूं आपको, वो कोई फेक आपका ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है, ओरिजिनल ट्रेनिंग शेड्यूल है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि ट्रेनिंग शेड्यूल आपका फेक है। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट भी आ रहे थे कि BSF HCM का फिजिकल होगा तो क्या हमें टाइम दिया जाएगा। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज कन्फर्म कर देना चाहता हूं, BSF आपका तो पहले फिजिकल है तो आपको इतना टाइम दे दिया है। पिछली बार RORM की एग्जाम हुई थी, एग्जाम का रिजल्ट आया था, एग्जाम के रिजल्ट के नीचे डेट लिखी हुई थी फिजिकल की, कितने दिन बाद की, ओनली फॉर 4 दिन की, मतलब बंदे का रिजल्ट आया शाम को वो दिन काउंट हो गया, बंदे का एक दिन दौड़ा, दूसरे दिन दौड़ा, तीसरे दिन बंदे को निकलना,
मतलब आरओ आरएम भर्ती के अंदर तैयारी करने का फिजिकल को एक भी दिन टाइम नहीं दिया गया, और वही आपके साथ हो सकता है, वही नतीजा निकल सकता है। और जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरे सोर्स बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 17 नवंबर को भी स्टार्ट नहीं होगा ना, तो एवरेज आप मान सकते हो कि आपका यहाँ पर 4 दिसंबर से 100% फिजिकल स्टार्ट होंगे बीएसएफ की। इंफॉर्मेशन ये निकल कर आ रही है बीएसएफ एचसीएम भर्ती के 4 दिसंबर से 100% फिजिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो 4 दिसंबर को तैयार हो जाना दोस्तों, और नोटिस आपको मिल जाएगा 20 नवंबर के लगभग। हो सकता है आपका 5 से 6 जो आपकी 6 से 7 तारीख तक यदि कोई नोटिस आ जाता है साइड के ऊपर, तो आपका 17 नवंबर से स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है आपका इससे ज्यादा भी आपका पोस्टपोन ना हो, पर मैं जहां तक अनुमान है वो यही आ रहा है कि 4 दिसंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं बीएसएफ एचसीएम। ठीक है ना दोस्तों, बाकी मैं आपको लाइव चैट जो मैंने आपके एचसीएम कैंडिडेट से की है वो चैट में आपको कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। उस कम्युनिटी पोस्ट में आप खुद देख लेना कि बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जो जानकारी मिलती है वो ऑथेंटिक मिलती है, तभी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। मिलते हैं कुछ बेहतरीन जानकारी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों नवंबर का महीना आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, और मैं बता दूं आपको, यदि आप फौज में मेजर बनने की क्वालिटी रखते हो तो ये भाई मेजर वाली पोस्ट ही है, एचसीएम को सभी मेजर ही बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अपने माँ बाप की तरफ देखना, उनकी आंखों में जो चमक है उस चमक को देखना, वो माँ बाप आपको किस नजर से आपको देख रहे हैं, वो माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं। यदि वो चाहते हैं कि आपका मेरा बेटा जॉब लगे, तो बिल्कुल आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है। रिटर्न एग्जाम्स की तैयारी करो, फिजिकल्स की तैयारी करो। बाकी आपका भाई आपको फिजिकल्स लाइव रिव्यू आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखाएगा, बीएसएफ जोधपुर कैंप से दिखा देगा, बीएसएफ आपका यहाँ पर सीआईएसएफ जयपुर कैंप से दिखा देगा। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल आपका भाई आपको देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में निजाम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद दोस्तों।